गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स में इससे पिछली वीडियो तक का मैंने आपको जो हमारी हनी सकल की बुक है इंग्लिश में और अफेक्टिव सन की बुक है उसमें चार चार चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा ग्रामर का वर्क करेंगे। तो ग्रामर में हम लोग आज जानेंगे द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वाक्य में प्रयोग के अनुसार जो है आठ भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले नंबर पर आता है नाउन, और इसमें फिर प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये इसमें होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है द नाउन संज्ञा, इसको आपने जो है क्लास फोर्थ में फिफ्थ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से यहाँ पर सही से समझेंगे नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती करके, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अनुभव या विचार के नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई नाउन की डेफिनेशन। अब हमको एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है इसमें, हरी इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो इसमें हरी क्या है, पर्सन है, व्यक्ति है, तो हरी क्या हो गया, इसमें नाउन हो गया। दूसरा क्या, दिल्ली इज अ बिग सिटी, ठीक है। दिल्ली क्या है, एक स्थान है, प्लेस है, तो ये दिल्ली इसमें नाउन हो गया। अगला एग्जांपल, दिस इज माय बुक, तो बुक क्या है, इसमें एक वस्तु है, थिंग है, ठीक है, तो बुक इसमें नाउन हो गया। नेक्स्ट, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुण दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट क्या है, गुण है, तो वह इसमें नाउन हो गया, ठीक है। फिफ्थ है, ही डाइड ऑफ हंगर, हंगर क्या है, अवस्था है, ठीक है। तो ये जो इसमें हंगर है, ये नाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम जो है नाउन को जो है जान सकते हैं कि इसमें किसी भी किस सेंटेंस में जो है कौन सा नाउन है करके, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसमें काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिसमें किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष यानी कि किसी का नाम हो गया, स्थान या वस्तु के नाम, जैसे स्थान इज द गंगा, आगरा, दिल्ली, दत्ताज, रामायणा, ठीक है, या वस्तु या स्थान के नाम को। तो इसमें जो है हमें किसका बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, यानी कि प्रॉपर नाउन का बोध होता है। तो जिन वाक्यों में ये वर्ड यूज होंगे तो वह प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है जिसको। अब इसमें क्या होता है, जिस संज्ञा से एक ही जाति या वर्ग के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। एक ही जाति या वर्ग, जैसे हम बॉय कहते हैं, तो बॉय में क्या है, सारे लड़के लड़के आएंगे, तो उसमें क्या, एक ही जाति या वर्ग का बोध हो रहा है हमें। सिटी है, तो सिटी के अंदर क्या है, एक ही स्थान के जो विभिन्न स्थान है उनका हमें बोध हो रहा है, ठीक है। रिवर, जैसे पेन है, बुक है, तो इसमें क्या है, एक जाति या एक वर्ग का जो है हमें ज्ञान हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉमन नाउन कहा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो इसको देखते हैं क्या होता है। इस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। अब इसमें समूह का बोध होगा, एक ही प्रकार के व्यक्ति या समूह, जैसे हम कहते हैं क्लास, ठीक है। क्लास में क्या, एक ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें उसको क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव बोला जाएगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन आएगा उसमें। फैमिली में जैसे बहुत सारे मेम्बर, तो एक ही प्रकार के वस्तु होते हैं। अब लाइब्रेरी में क्या, एक ही प्रकार की वस्तुएँ होंगी, सारी बुक्स ही बुक्स होंगे, तो वो क्या, एक समूह का बोध कराती हैं तो हमें, तो इसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक। फिर अगला होता है मटेरियल नाउन, यानी कि इस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सके, ठीक है। तो मटेरियल नाउन होता है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे गोल्ड, गोल्ड से हम कई वस्तुएं बना सकते हैं, आयरन, सिल्वर, वुड, ऑयल, मिल्क, तो ये सारे मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा ये कहलाते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है पाँचवा, जो होता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिन वाक्यों में जो है भाव या जो है किसी वस्तु के गुण का जो है, या किसी के मन का भाव या गुण का बोध होता है, या उनको जो है
केवल अनुभव किया जा सकता है, ये दिखाई नहीं देते हैं ऐसे गुण होते हैं तो इनको अनुभव किया जा सकता है सिर्फ, तो इनको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि ब्यूटी, जैसे कहते नहीं ये इज वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या कहते हैं उसमें भाव या गुण का बोध हो रहा है तो वो क्या भाववाचक संज्ञा कहलाए, जैसे हंगर हो गया, चाइल्डहुड, ठीक है, इसमें भाव या गुण है, ट्रूथ में गुण हो गया, ऑनेस्टी गुण क्या है, काइंडनेस एक गुण है, क्वालिटी है, विजडम भी क्वालिटी है, पॉवर्टी, ठीक है, इसमें एक भाव है, ठीक है, तो इनको कहा जाता है क्या भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जाना कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल से इसको देखा, और उसके बाद इसमें जो है जो काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन के प्रकार होते हैं, ठीक है, ये पांच प्रकार, इनको हमने जाना कि ये किस तरह से जो है अलग होते हैं करके। अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक्सरसाइज को आपने जो है अपनी कॉपी पे करना है ग्रामर की, ठीक है। तो यहाँ से इसके हम एक्सरसाइज देखते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, पिक आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग, जो ये आपको 8 सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से आपने नाउन पिक करके अलग से लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है अलग से, ठीक है, ऐसे आप लोग इसके जस्ट नीचे इसके सामने लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है मोहन इज अ गुड बॉय, तो इसमें मोहन क्या है नाउन है। दूसरा है मेरठ इज अ बिग सिटी, तो मेरठ क्या है इसमें नाउन है, तो उसको मेरठ लिख लेंगे। हरी गोज टू टेम्पल, तो इसमें हरी और टेम्पल दोनों ही जो है नाउन है, तो आप एक भी लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हरी मैंने लिखा हुआ है सामने। दैट इज़ योर पेंसिल, तो इसमें क्या पेंसिल नाउन है, तो हमने मैंने पेंसिल लिखा जस्ट उसके सामने। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो इसमें फेथफुल भी और एनिमल भी दोनों ही, और द डॉग भी, ये भी सब क्या है नाउन है, तो मैंने सिर्फ इसमें क्या द डॉग लिखा हुआ, तो आप भी सिर्फ इसमें द डॉग लिख सकते हैं या फेथफुल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक नाउन के ये भी एक प्रकार में है फेथफुल, ठीक है। फिर अगला सीट ऑन द चेयर, तो इसमें जो चेयर है वो नाउन है, तो चेयर इस तरह से सामने लिख लेंगे उसके, ठीक। फिर सेवन्थ है गिव मी ए पेन, तो इसमें पेन क्या है नाउन है एक, ठीक, तो पेन को उसके सामने लिख लेंगे। राम इज अ टीचर, तो इसमें जो राम है वह एक नाउन है संज्ञा है, तो उसका उसको सामने इस तरह से राम करके लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं जो नाउन के चैप्टर के अंदर ही है हमारे, ठीक है, ये इसमें एक्सरसाइज। अब इसमें हमने क्या बताना है, काइंड द नेम द काइंड ऑफ अंडरलाइन नाउन्स, जो इसमें नाउन दिए गए हैं उसमें संज्ञा का प्रकार बताना है हमने, जो हमने पांच प्रकार पढ़े थे संज्ञा के, उनमें इन वाक्यों में कौन कौन से वो प्रकार हैं वो लिखने हैं। जैसे पहला है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना और बिहार दोनों ही क्या है प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, किसी स्थान का बोध करा रहे हैं। दूसरा है अनुष्का ड्रिंक्स मिल्क डेली, तो इसमें अनुष्का और मिल्क दोनों पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो अनुष्का में तो प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक, और जो मिल्क है वो क्या हो गया मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। तीसरा है द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो काउ और एनिमल के नीचे क्या किया अंडरलाइन किया हुआ है, तो काउ उसमें प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक हो गया, और एनिमल क्या है कॉमन नाउन हो गया इसमें, ठीक है। फिर अगला है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो होनेस्टी और पॉलिसी दोनों में ही भाव और गुण हैं, तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फिर अगला है फिफ्थ देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड, तो इसमें क्राउड में तो क्या है एक समूह का बोध हो रहा है, क्राउड जो है जब समूह में होता है तभी उत्पन्न होता है, तो उसमें कलेक्टिव नाउन आया आया हमारा, और रोड में हम मटेरियल नाउन या इसको हम कॉमन नाउन भी लिख सकते हैं, रोड को कॉमन नाउन है मटेरियल नाउन में ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने मटेरियल नाउन लिखा है। अगला है रमेश हैज़ ए ब्लैक पेन, ठीक, तो इसमें पेन के नीचे लगाया हुआ है, ठीक, अंडरलाइन किया हुआ है, तो पेन जो है हमारी कॉमन नाउन हुई, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हुई। फिर सेवन्थ है हिज फैमिली हैज़ गॉन टू हरिद्वार, तो फैमिली के नीचे अंडरलाइन है, तो फैमिली क्या है कलेक्टिव नाउन है, एक समूह का बोध करा रही है, ठीक है। एट्थ है गोल्ड इज येलो, तो इसमें गोल्ड बताया, तो गोल्ड क्या है मटेरियल है, तो उसके आगे मैंने एरो लगा के लिया मटेरियल नाउन, तो आप भी इस तरह से उसके सामने लिखेंगे मटेरियल नाउन लिख लेंगे, ठीक है। फिर नाइन्थ है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ट्रूथ क्या है एक क्वालिटी है, ठीक है, और उसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाया, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाया, ठीक है। फिर लास्ट है दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, तो इसमें बॉक्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, तो बॉक्स हमारा कॉमन नाउन में आया, यानी जातिवाचक संज्ञा में आया, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एक्सरसाइज को आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।